अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में अगर हम देखें तो दो तीन तरह की सिमेट्री होती है। मतलब सिमेट्री अगर है तो एक ए सिमेट्री होगा, एक रेडियल होगा, एक बाईलैटरल होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ड्रॉ करके ड्राइंग के थ्रू आपको बताती हूँ कि कैसे होती। देखो रेडियल सिमेट्री, सबसे पहले मैं रेडियल की बात कर रही हूँ। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल मैं यहीं पे बता रही हूँ, ये रहा। सीधा अगर हम बात करें रेडियस, कुछ आ रहा है दिमाग में, जैसे कुछ ऐसा तुरंत माइंड में क्लिक हो रहा होगा रेडियल से कि रेडियल क्या होता होगा, तो ऐसा कि ये हम ऐसे अगर हम सेक्शन काटे, मतलब सेक्शन का मतलब ऑर्गेनिज्म का, अगर हम सेक्शन काटे उसको, तो ये इस तरीके से आना चाहिए, मतलब उसके सेंटर से होकर के कट होना चाहिए। तो ये होता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब हम अगर बात करें बाईलैटरल, बाईलैटरल सिमेट्री कैसी होती है? बाईलैटरल सिमेट्री इस तरीके से होती है, अभी मैं बताती हूँ। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये है अर्थवर्म कोई है, अब हमें इसे कट करना है, इसका सेक्शन कट करना है, तो मैं यहीं से ऐसे इसका सेक्शन काट दी, तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट, बाइलैटरल हो गई, ठीक है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब हुआ कि दो भाग में डिवाइड होना, ठीक, इसे कहते हैं बाइलैटरल। और रेडियल में जो सेंटर से डिवाइड हो उसको कहते हैं रेडियल। और जिसमें कोई सिमेट्री नहीं, जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस में कोई सिमेट्री नहीं, ये एसिमेट्रिक होते हैं। क्यों? अभी हम नेक्स्ट पोरीफेरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे ये एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन इनमें जो होता है ना, इनमें हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए मतलब इनमें का मतलब टेप वर्म हुआ, आर्थ वर्म हुआ, ये आर्थ्रोपोडस भी हैं, एनेलिड्स और आर्थ्रोपोडस, ये सारे के सारे ये बाइलैटरल सिमेट्री में आते हैं। अभी आगे एक और एग्जांपल है, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने बात कर ली सिमेट्री की, अब थोड़ा सा इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है उसके हैं कि स्पॉन्जेस, अभी मैंने बताया एसिमेट्री होते हैं। एसिमेट्रिकल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका हाफ हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, इनको हम दो भाग या चार भाग किसी भी भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए स्पॉन्जेस क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर हम सेंट्रल से कट करें, ठीक, सेंट्रल से कट करें तो क्या होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो जो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा वो रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। मींस रेडियस से कट करना, यानी कि आप अगर रेडियल, अगर थोड़ा सा रेडियस से अगर इसको रिलेट करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? सिलेंट्रेट्स, जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं ये, और इकाइनोडर्मेट्स हुए, फिर इसके बाद ये जितने भी है ना, इन लोग के बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो ये लोग सेंटर से डिवाइड हो जाए। फिर अब एनिमल्स, अब हम बाइलैटरल सिमेट्री की बात करें, बाइलैटरल सिमेट्री में कौन कौन से आते हैं? एनिलीड्स आते हैं और आर्थ्रोपोडस आते हैं। एनिलीड्स यानी कि आपके जो टेप वर्म, अभी मैंने जस्ट आपको टेप वर्म या उसका एग्जांपल दिया था अर्थ वर्म का, तो ये लोग क्या होते हैं? इनको हम लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यही चीज़ अब आपको क्लियर कर दी है।